शांति ओम शांति। आज की तारीख है 12/2/12 मुरली डे और आज फिर रविवार है और हम प्यारे प्यारे मीठे मीठे प्राणेश्वर अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 27/5/74 मुरली और आज की मुरली फर्स्ट रेड ऑन मैं आपको पहले ही बता दूं बड़ी राजयुक्त मुरली है। कर्मों की गहन गति को समझाने वाली मुरली है। विधि व सिद्धि की मुरली है। पुरुषार्थ और प्राप्ति की मुरली है। व्यर्थ और समर्थ अर्थात व्यर्थ को समर्थ कैसे करें वह युक्तियां बताने वाली मुरली है। इस प्रकार कई राज आज की मुरली के द्वारा हम बच्चों को बाबा ने सुनाए हैं। तो हम बच्चों को बहुत ध्यान से मुरली सुननी भी है। सुनने के बाद उसे बार बार हमें पढ़नी है ताकि पढ़ करके हम उन राजों को समझ करके और प्रत्येक कर्म करेंगे। तो मैं मुरली की शुरुआत करती हूँ। आज की मुरली का हेडिंग है विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्मा। कौन है निमित्त बने हुए? आप ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ सेवा केंद्र संभालने वाली जो भी टीचर्स बहने हैं या तो साथी टीचर्स बहने हैं वही निमित्त आत्माएं हैं। नहीं, विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी हैं। भले विशेष वह निमित्त बनी हुई आत्माओं को विशेष अपने पर ध्यान रखना है, परंतु यदि निमित्त अपने को समझते हैं तो निमित्त अगर अपने को समझा तो हमें क्या करना होगा वह बात भी जैसे टीचर्स बहनों ध्यान से सुनेगी वैसे हम सभी भी ध्यान से सुनेंगे। मुरली शुरू कर रही हूँ। आवाज में आने और आवाज से परे होने में कितना अंतर है? All of you experience अभी मैं आवाज से परे हो जाती हूँ। Between coming into sound and going beyond कितना समय लगा? Now, I'm going एक सेकंड से भी कम समय लगा। तो बाबा आज हमको बड़ी गुह्य बात समझाने जा रहे हैं कि आवाज में आने और आवाज से परे होने में कितना अंतर है। क्या इसके सभी अनुभवी बन चुके हो? ये तो हुआ ध्वनि नहीं निकाली लेकिन बाबा अभी स्थिति की बात बता रहे हैं कि हम आवाज में कब हैं, जब हम अपने को शरीरधारी या देहधारी समझते हैं या देह अभिमान में, परंतु आवाज से परे होना है तो हमें कितना समय लगना चाहिए? बिल्कुल सेकंड से कम समय लगना चाहिए। इतने में क्या हुआ पता है? माइक में कुछ आवाज क्लियर नहीं था। देखो अब बाबा बता रहे हैं, देखो आवाज अगर यथार्थ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। माइक अगर बीच में बराबर आवाज क्लियर देगा फिर क्लियर नहीं देगा
या बीच में कहीं लुक सीटी इफ द बजेगी, साउंड इज कहीं नॉट बंद हो एक्यूरेट जाएगा, या फिर आवाज में यू डू बहुत नॉट लाइक इट डू आवाज यू जैसे भारी भारी होता है ऐसा आएगा, तो बाबा कहते हैं वो सुनने में मजा आएगा। सो बाबा वाज हाँ, आस्किंग बेशक द नहीं चिल्ड्रन आएगा, लुक यू आर नॉट यंत्र में जरा भी एंजॉयिंग इज इट खिटखिट है नॉट व्हेन देयर इज तो अ ऐसी आवाज माइक्रोफोन पसंद फेलियर। नहीं करते हो ना। हाँ बाबा बाबा सेड कहते हैं फर्दर जैसे इन द माइक मुरली में माना यंत्र व्हेन में देयर इज अगर इवन अ आवाज में लिटिल कोई थिंग खिटपिट है दैट तो हम इज पसंद नॉट नहीं करते वर्किंग हैं ना। वेल इन द अब बाबा इंस्ट्रूमेंट देखो हमें क्या यू डू समझाने नॉट जा रहे लाइक द हैं। साउंड दैट बाबा इमर्जेस कहते फ्रॉम हैं इट डू यू ऐसे ही इन द सेम वे आपका बाबा यह सेज यंत्र कौन सा यंत्र योर इस आत्मा का इस व्हिच शरीर में इंस्ट्रूमेंट यंत्र कौन सा है इन आवर मुख। बॉडी वी हैव एन तो इंस्ट्रूमेंट आपका कैन यू यह गेस व्हाट इज दैट यंत्र मुख इंस्ट्रूमेंट भी Yes, माइक है। बाबा सेज इस योर मुख माउथ द्वारा आर जब आल्सो कभी अ माइक यथार्थ व बाबा युक्ति सेज युक्त फर्दर इन द बोल मुरली नहीं निकलते व्हेन हैं एक्यूरेट तो और उसी समय डिप्लोमेटिक वर्ड्स सबको डू क्या नॉट अनुभव इमर्ज होगा फ्रॉम द या माउथ उस समय डू यू नो आपको व्हाट एक्सपीरियंस मालूम अदर्स नहीं पड़ता हैव है क्या। और बाबा कहते आर हैं यू समझो नॉट आपका अवेयर यथार्थ ऑफ बोल दैट नहीं निकलता है व्यर्थ सो बाबा इज निकलता है। आस्किंग तो बाबा दैट कहते हैं से आपको भी इफ उस समय पता थ्रू नहीं योर चलता है माउथ कि मेरा इफ एक्यूरेट और बराबर डिप्लोमेटिक निकल वर्ड्स नहीं रहा है बोल आर नॉट जो निकलना कमिंग आउट चाहिए बट अर्थात मीठा वेस्ट निकलना वर्ड्स आर चाहिए कमिंग आउट मधुर और निकलना मेबी चाहिए मोर स्वीटनेस कम निकलना इज रिक्वायर्ड चाहिए इन द वर्ड्स सुरीला दैट इज निकलना कमिंग चाहिए माना देन गुणों बाबा से इज युक्त आस्किंग निकलना चाहिए अस डू युक्ति यू नो युक्त एट दैट निकलना टाइम चाहिए। व्हाट तो बाबा कहते एक्सपीरियंस समझ में तो आता अदर्स ही है हैव तो Or बाबा कहते are हैं you not जब aware of स्थूल that? यंत्र का आवाज भी पसंद बाबा नहीं says, करते हो since खिटखिट वाला sometimes तो don't नेचुरल like the मुख sound द्वारा of the निकला physical हुआ बोल instruments, the वह sound आवाज of our words स्वयं को emerge from भी your mouth और सर्व को भी should automatically ऐसा ही अनुभव be experienced in the same way तो मुख by से भी yourself अगर हमारा बोल as by युक्ति others. युक्त नहीं निकलता तो सबको वही अनुभव होता है। अगर ये महसूस करो बाबा says, if हाँ you देखो बाबा अभी this, हमको महसूस कराने जा रहे हैं अगर ये महसूस so करो says, तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा बाबा पूछ moment, रहे हैं। महसूसता में ताकत क्या है so way, महसूसता यही है कि जिस घड़ी महसूस होता है ना us, परिवर्तन उस ही घड़ी में हमारा शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं क्या इस बात को जानते हो इस घड़ी से सदा काल के लिए महसूसता की शक्ति बाबा अभी बता रहे हैं परिवर्तन क्या और कितना होता है वो गुह्य राज बाबा समझा रहे हैं। टॉक अबाउट डीप इस घड़ी से says, सदा काल के दिस मोमेंट अभी के लिए ही नहीं कभी कभी भी नहीं थोड़े समय के लिए भी time. नहीं बाबा कहते हैं time, सदा काल time. के लिए says, एक तो व्यर्थ बोल moment, दूसरा विस्तार करने words. के बोल first, तीसरा first समय व्यर्थ second, करने के बोल expansion. चौथा Third, अपनी कमजोरियों के द्वारा अन्य And आत्माओं को words संग दोष में लाने वाले बोल ये सब समाप्त हो जाएंगे। मैं समझती हूँ आप सबने भाव समझ लिए होंगे। व्यर्थ बोल माना हम जानते हैं विस्तार करने के बोल कईयों को बहुत आदत होती है बहुत लंबी चौड़ी बात करेंगे बात होगी छोटी सी पर उसको बड़ी करते हैं कई समय बहुत गंवाते हैं व्यर्थ बोल करके कई अपनी कमजोरियों के द्वारा अपनी कमी के कारण समाने की शक्ति न होने के कारण क्या करेंगे संग दोष में आकर के जो बात नहीं बतानी चाहिए वो बताएंगे तो वो वर्णन करते हैं। तो ये सब बातें क्या होगी बाबा कहते हैं महसूस करेंगे तो ये सब कमियां समाप्त हो जाएंगे। फिर आगे देखो बाबा अभी बहुत अच्छी बात हम बच्चों को रूहानी नशे की सुना करके और हमारे स्वमान मिला रहे हैं बाबा स्वमान देते हुए और हमें नशे में लाते हुए बता रहे हैं कि महान आत्माओं के हर बोल को क्या कहा जाता है। बाबा कहते हैं आप सब महान ते महान ऊंचे ते ऊंचा जो परम पिता परमात्मा है
उनके बच्चे हो, माना आप भी मास्टर ऊंचे ते ऊंचे, महान ते महान हो, तो महान आत्मा के बोल कैसे होंगे? बाबा कहते उनको महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात क्या? महावाक्य अर्थात महान बनाने वाले वाक्य। देखो आज बाबा के हम महावाक्य सुनते हैं तो हम महान बनते जा रहे हैं ना, तो महान बनाने वाले वाक्य। महावाक्य विस्तार के नहीं होते, किसके? जो महान बनते हैं, जो महान होते हैं उनके वाक्य बाबा कहते हैं कभी भी विस्तार के नहीं होते, लंबे चौड़े नहीं होंगे, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं बताएंगे। जैसे वृक्ष के अंदर, हाँ देखो कितना अच्छा बाबा ने मिसाल भी बताया है, जैसे वृक्ष के अंदर बीज कितना छोटा होता है और वृक्ष देखो कितना बड़ा महान होता है, तो बीज महान है और उसका विस्तार इतना महान नहीं होता, लेकिन उसमें सारा सार समाया हुआ होता है। तो बीज के अंदर क्या होता है? सारे वृक्ष का सार समाया हुआ होता है। ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता किंतु उसमें सार होता है। मतलब बाबा का कहना है महान आत्माएं बहुत थोड़ा बोलती है। Words, जो दस वाक्य की बात है ना वो एक आधा वाक्य में बोल करके सामने वालों को समझा देती है। क्या ऐसे? हाँ आप देखो बाबा कितनी बातें बता रहे हैं। हाँ जो महान बोलने वालों के बोल में क्या क्या होता है नोट करते जाएं। सार युक्त उनके बोल, नंबर दो युक्ति युक्त नोट डाउन करते जाएं, नंबर तीन योग युक्त, नंबर चार टू शक्ति युक्त, नंबर पांच योगा स्नेह युक्त, पावर नंबर छह लव स्वमान युक्त, सेल्फ रिस्पेक्ट, नंबर सात एंड स्मृति युक्त बोल बोलते हो। अवेयरनेस। अब बाबा ने हमको ये चेकिंग दी है, डू यू स्पीक, अब ये चेक करो, एक तो ये चेक करो कि मैं इस स्वमान में हूँ, मैं स्वयं को ऊंचे ते ऊंची महान ते महान आत्मा समझती हूँ या समझता हूँ। अगर मैं स्वयं को महान समझता हूँ या समझती हूँ तो मेरे बोल में क्या होगा? ये सात बातें होंगी, जो सात बातें मैंने आपको सुनाई, युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, स्वमान युक्त और स्मृति युक्त हमारे बोल होंगे। जैसे आजकल की दुनिया में पावर जो विनाशी पद धारण करने वाली विशेष आत्माएं हैं, वह भी अपने हर बोल को चेक कर फिर बोलती है कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई एक बोल भी न निकले जो देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने। जो भी हर क्षेत्र के टॉप के लीडर्स हैं ना, वो जब भी कहीं प्रवचन करते हैं या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या कोई आध्यात्मिक लेख या कोई उनके कनेक्शन का लेख लिखते हैं उनके क्षेत्र के कनेक्शन का, तो वो उसको चेक करते हैं और बहुत सावधानी बरतते हैं और बड़ी सावधानी से वो बोल बोलते हैं। क्यों? उन कहीं उनके बोल, जैसे बाबा कहते हैं कि देश में व उनके साथियों में कहीं संघर्ष कराने के निमित्त वो बोल न हो जाए, इसका वो बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनिए, आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। माना हम भी विशेष पद पर विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र में
और उसमें भी विशेष बाप दादा के जो नई दुनिया के स्थापना का कार्य है उसमें हम निमित्त है। तो बाबा कहते हैं कि आप निमित्त बनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो आपकी विश्व में विशेष स्थिति है, हमारी भी विशेष स्थिति है। आपको यह भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं क्या वह सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी हैं? कहीं मेरे बोल भी संघर्ष कराने वाले या अशांति करने वाले या किसी का अकल्याण करने वाले तो नहीं निकलते? तो बाबा कहते हैं चेक करो। तो हम अपनी चेकिंग करेंगे, व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो। बाबा कहते हैं व्यर्थ छोड़ दो, व्यर्थ की व्यर्थ तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जब विशेष कार्य करते हैं तब की बात बाबा बताते हैं। लेकिन अभी बाबा समय की सावधानी देते हुए वर्तमान समय की डिमांड क्या है वो बाबा देखो बता रहे हैं। आपको यह भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं क्या वह सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी है? व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ न हो। पहले भी सुनाया था ना कि आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार अब तक भी भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। माना कितने हमारे बोल की कीमत है कि आज तक बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग से लेकर के वो यादगार चला आ रहा है बोल का। अब वो कौन सा बाबा पूछ रहे हैं, वो कौन सा है सोचिए। अब बाबा तो बताएंगे ही। बाबा कहते हैं आपके हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा है जानते हो? गीता तो ज्ञान का यादगार है। कोई ने बताया होगा गीता? तो बाबा ने कहा नहीं, गीता तो ज्ञान का यादगार है कि भाई भगवान ने क्या ज्ञान दिया या बच्चों ने भगवान के ज्ञान को कैसे सुनाया। प्रैक्टिकल लाइफ में वह वर्णन करते हैं, भक्त सुना सभी वर्णन करते हैं। अब वो क्या है देखो, आजकल की भी जो महान आत्माएं हैं तो भक्त लोग उनके हर बोल के पीछे क्या कहते हैं, समझो महात्मा ने गुरु ने साधु ने संत ने कोई बोल सुनाए तो भक्त वो सुन करके क्या करेंगे क्या कहेंगे? Can you guess? कहते हैं सत्य वचन महाराज, आपने जो कहा वो सच कहा। इवन टुडे तो ये यादगार है consider सत्य वचन महाराज ये कहकर अपना विश्वास प्रकट करना, चाहे वो व्यर्थ हो चाहे वो गपोड़ा भी लगाता हो फिर भी समझते हैं कि ये महान आत्माओं के बोल हैं। चाहे वो गपोड़ा भी हो या वो गपोड़ा लगाता भी हो चाहे वो व्यर्थ भी हो, परंतु उनके मुख से निकला उनकी भावना है तो कहेंगे सत्य वचन महाराज। तो इतना महत्व रखते हैं सत्य वचन महाराज का यह यादगार कब से आरंभ हुआ? बाबा कहते हैं कब से शुरू हुआ, पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है। यादगार तभी बनता है जब प्रैक्टिकल में वो बात किसी के द्वारा होती है, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ उसका यादगार रह जाता है। यथार्थ नहीं होता है तो जब भक्ति मार्ग में हर बोल का महत्व
अभी तक इतना है तो अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे हो तो ऐसे महत्व वाले बोल जिसमें सत्यता तथा विश्व का कल्याण हो, क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं? हाँ, बाबा ने बड़ा लंबा वाक्य बताया, लेकिन बाबा का कहने का यही है कि जैसे उन्होंने कहा सत्य वचन महाराज, तो ये प्रैक्टिकल में किसने किया है? हमने प्रभु से सत्य बोल सुने, सत्य ज्ञान सुना, और हम बच्चों ने भी वही सत्य ज्ञान के बोल औरों को सुनाने शुरू किए। तो हमने भी प्रभु को कहा सत्य वचन महाराज, फिर हमें भी सुनने वालों ने कहा सत्य वचन महाराज, और वो बोल की यादगार बातें अभी तक चली आ रही है। तो बाबा कहते हैं जबकि अब तक तुम अपने उस यादगार को सुन भी रहे हो और उस बोल में उनका कितना विश्वास है उस सत्यता के ऊपर, वह भी देख रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि अब अपनी चेकिंग करो और सोचो कि क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं, अर्थात सत्य वचन निकलते हैं, या ऐसे वचन निकलते हैं जो सुन करके वो खुश हों और हमारे पर उनका भरोसा विश्वास बढ़ जाए। अभी बाबा हमें सिद्धि, सिद्धि क्या होती है ना, बड़ा अच्छा अति गुह्य राज सुना रहे हैं। दिन प्रतिदिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, हाँ नोट डाउन, दिन प्रतिदिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी व महावीर बन रहे हैं, हाँ हो सकता है आप में से भी कई पहले घुड़सवार थे, फिर प्यादे से घुड़सवार बने, अब घुड़सवार से वो क्या बन रहे हैं, महारथी और महावीर बन रहे हैं। तो उनके मुख से निकलने वाले हर बोल क्या होंगे, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि वो हर बोल सत्य हो जाएंगे। महारथी और महावीर जो बोलेंगे वो क्या होगा, सत्य सिद्ध होगा। अभी भले नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक अभी नहीं होते हैं, उसका कारण भी बाबा बता रहे हैं। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज्यादा निकल, ऑर्डिनरी वर्ड्स बीइंग स्पोकन, अगर ये निकलना बंद हो जाए तो बाबा कहते हैं हमें प्राप्ति होगी, और वो प्राप्ति हमारी सिद्धि के रूप में होगी कि हम जो बोलेंगे वो सच होगा। आप सोचो कितना बोलने में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने कहीं व्यर्थ बोल दिया किसी आत्मा के प्रति, तो वो क्या हो जाएगा, वो बोल वरदान के बदली में सत्य सिद्ध होकर के श्राप हो जाएगा। So if at all, तो कितना उसका बेचारे का कल्याण हो जाएगा। Say something सोचने की बात है, कितनी गंभीर हुई गहन बात बाबा ने आज हम बच्चों को सुनाई है। जैसे कोई लेख या आर्टिकल लिखते हैं अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं में उसे प्रकाशित करवाते हैं, तो लिखने वाले बाद में फिर से चेक करते हैं क्या जो लिखा गया है वह ठीक व प्रभावशाली है, क्या जो लक्ष्य व टॉपिक है क्या उसी के अनुसार लिखा है। खुद भी खुद के आर्टिकल को लिखने के बाद वो चेक करते हैं। So, ऐसे writers, आप भी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन वाणी और कर्म इन तीनों का एक लेख लेख या लेखा प्रैक्टिकल अकाउंट्स लिखते हो, अर्थात ड्रामा में कर्म द्वारा नोंदते हो। बाबा कहते हैं जैसे रेखाएं हम नोंदते हैं ना, रेखाएं बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेकर रात्रि के सोने तक
जो भी मन वचन कर्म से कर्म करते हैं उसका लेखा हम क्या कर रहे हैं, हाँ ड्रामा में नूंद कर रहे हैं उसकी, हाँ जो हम अभी बोले वो कल्प कल्प होगा। मैं अभी आप सभी के बीच में अव्यक्त बाप दादा की मीठी मीठी अव्यक्त मुरली सुना रही हूँ, आप सुन के हर्षित हो रहे हो। बस वही बात, फिर कल्प 5000 वर्ष के बाद इस ही समय पर, इस ही दिन पर, इस ही घड़ी पर फिर रिपीट होगी, फिर से आप सुनेंगे और मैं आपको सुनाऊंगी। तो बाबा कहते हैं ये भी नींद हो जाती है, तो रात को अपनी हर रोज की प्रैक्टिकल नींद व लेखनी को चेक करो कि कितनी समर्थ अर्थात प्रभावशाली रही और कितनी व्यर्थ रही। क्या ऐसी चेकिंग करते हो? जो मैंने अपने भाग्य की रेखा खींची या जो मैंने अपना ड्रामा की अंदर मेरी पार्ट की नूंद की या लेखनी लिखी, क्या वो वैसी लिखी जो समर्थ हो, कल्याणकारी हो, स्वयं के लिए भी और अन्य के लिए। आगे देखो बाप दादा क्या बताते हैं। अब बाप दादा हम बच्चों को रिजल्ट सुना रहे हैं हमारे पुरुषार्थ की। बाप दादा के पास हर एक बच्चे की, हर घड़ी की, ध्यान से सुने, हम सभी बच्चों की हर घड़ी की तीनों रूपों में मनसा वाचा कर्मणा से की हुई प्रैक्टिकल नूंद इमर्ज होती है। सुना, नूंद इमर्ज होती है जिससे रिजल्ट क्या दिखाई देती है। बाबा अभी रिजल्ट बताने जा रहे हैं। अब तक 75% 75% बच्चों की आधी रिजल्ट क्या है, व्यर्थ बोल व साधारण बोल में दिखाई देती है। 75% व्यर्थ बोलते हैं, साधारण बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, विस्तार से बोलते हैं। इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्य वचन महाराज हो जाए तो सोचो सुनने वालों का क्या होगा। हंसी आ रही है ना? हाँ, तो बाबा देखो क्या कहते हैं। तो कई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्का करने के व पुरुषार्थ को साधारण बनाने के निमित्त बन जाओ, इसलिए ड्रामा अनुसार अभी ये वरदान सबको प्राप्त नहीं है। सुना, अगर साधारण और हल्के हो जाएंगे तो बाबा कहते हैं फिर उनको वो अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं पकड़ेंगे, इसीलिए बाप दादा के द्वारा ये वरदान अभी सभी को प्राप्त नहीं है। तो किसको प्राप्त है? बाबा कहते हैं बहुत थोड़ी आत्माएं हैं और उनको भी बहुत थोड़ा सा, अर्थात 25% 25% ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है, मिल गया है, ऐसा भी नहीं बोल रहे बाबा, अभी तो आरंभ हुआ है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझ व महत्व को समझ, हर बोल के ऊपर इतना अटेंशन रखो। हाँ, बाबा ने हमें अपनी जिम्मेवारी संभालने के लिए सावधान किया, सतर्क किया और टेम्पटेशन भी दिखाई है और कर्म की गहन गति भी समझाई। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे लेकिन हम तो साधारण बोल देंगे, तुम हो ही ऐसी, तुम कभी आगे बढ़ नहीं सकती है। अभी हमने तो साधारण रीति से उस समय जोश में बोल दिया या ऊपर ऊपर से बोल दिया या ऐसे ही कह दिया, तो आप लोग तो साधारण रीति से बोलेंगे लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अकल्याण हो जाता है। जिम्मेवारी की गंभीरता समझी सभी ने? तो इसीलिए भक्ति में भी वरदान के साथ साथ श्राप का भी गायन है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी गलतियां की है
हाँ कभी हम मीठे मधुर बोल बोलते हैं पर कभी कभी हम बच्चों के मुख से क्या होता है, स्लिप हो जाता है, कहेंगे बोलना तो नहीं था पर निकल गया। बाबा कहते ऐसे कैसे निकलता है, सोचो पहले, कर्म करने से पहले सोचो तो क्यों निकलेगा। तो बाबा कहते हैं श्राप का भी इसीलिए गायन है, श्राप देते नहीं है। हाँ श्राप के ऊपर अभी बाबा समझा रहे हैं, श्राप की परिभाषा बताई कि क्या है। अब बाबा श्राप का बता रहे हैं, श्राप देते नहीं है, ऐसे कहने में नहीं आता है कि मैं तुझे श्राप देती हूँ या मैं तुझे श्राप देता हूँ, नहीं। यू डू नॉट गिव अ कर्स, लेकिन ऐसी व्यर्थ चलन व व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, तई वो जैसे श्राप का रूप बन जाते हैं। अर्थात सुनने वाली व देखने वाली साधारण आत्मा आपके बोल और कर्म के द्वारा गिरती कला में अर्थात पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती है। जैसे मैंने बताया कि अगर हमने कह दिया तुम तो कभी आगे बढ़ोगी नहीं, तुम कभी सीखोगी नहीं, तुम ऐसे ही रहोगे, तो बाबा कहते हैं वो और ही गिरती कला में और फिर पुरुषार्थहीन हो जाएगी, सोचेगी मैं जब बड़ों ने कह दिया मैं आगे बढ़ने वाली नहीं हूँ, मैं सुधरने वाली नहीं हूँ, तो फिर वो सुधरना बंद कर देती है, आगे बढ़ना बंद कर देती है और फिर हीनता में आकर के उतरती कला में आने लगती है। तो पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती है। तो निमित्त कौन बना, हम महावीर या महारथी कहलाने वाले निमित्त आत्मा ही बनी ना। इस प्रकार वह आपके द्वारा श्रापित हो जाती है। सोचो कितनी हमें चेकिंग करनी है और कितना सावधानी बरतते हुए मन वचन कर्म से हमें अपने कर्म करने। अच्छा अब आगे देखो बाबा फिर और चेकिंग की बहुत अच्छी गुह्य बात बता रहे हैं। विश्व के कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्माएं यदि न चाहते हुए भी वह न सोचते हुए भी साधारण रीति से भी किसी आत्मा को श्रापित करने के कार्य के निमित्त बन जाती है तो उसको क्या कहेंगे, वरदानी कहेंगे क्या? बाबा कहते हैं उसको कहेंगे वो वरदानी आत्मा है, नहीं ना। तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप लोगों का नोट डाउन, क्योंकि अभी आप लोगों का श्रेष्ठ जीवन, हाँ ये जो ब्राह्मण जीवन बाबा के द्वारा प्राप्त है, श्रेष्ठ जीवन विश्व की सेवा के प्रति है, स्वयं के प्रति नहीं है, सर्विंग द विश्व की सेवा के प्रति है। अभी तक स्वयं की सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति व स्वयं के संस्कार और स्वभाव के वश या फिर अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने के प्रति हो तो वो समय अभी बीत गया। आया समझ में सभी को, अभी वो समय नहीं कि हम अपने प्रति लगाएं समय, हम अपने प्रति करें, हम अपने प्रति सोचें। बाबा कहते हैं अभी वो समय ना रहा जो आप समय को अपने प्रति लगाओ, अभी आपको दूसरों के प्रति वरदानी बन के समय सफल करना है। अभी देखो बाबा बहुत अच्छी हमको 8 बातें जिम्मेवारी की वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए और हमारा ध्यान खिंचवाते हुए सेवा के प्रति बता रहे हैं। नंबर 1 आप नोट करते जाएं, अब हर श्वास, हर संकल्प, 2 हर सेकंड, 1 हर कर्म, नाउ फर्स्ट हर शक्तियां, सेकंड सर्व ईश्वरीय संस्कार, थर्ड एवरी श्रेष्ठ स्वभाव, फोर्थ सर्व प्राप्त हुए खजाने,
सिक्स्थ विश्व ऑल की ही गॉडली सेवा संस्कार्स, के प्रति सेवन योर आपके हैं। एलिवेटेड नेचर एंड एट आठ बातें बाबा ने बताई यू हैव अटेन्ड कि ये जो सो भी फार हमारे जीवन की बातें हैं सर्विंग द वो वर्ल्ड। सारी किसके so प्रति हैं? विश्व की सेवा के प्रति हैं। अगर अभी तक भी सावधान कर रहे हैं फिर से वर्ल्ड अगर अभी तक भी फॉर डूइंग स्वयं के प्रति लगाते हो तो बताओ प्रारब्ध क्या मिलेगी? यू बिकम मास्टर क्रिएटर्स और द क्रिएशन मास्टर रचयिता सेज इफ इवन नाउ यू आर जस्ट यूजिंग देम मास्टर रचयिता बनेंगे या फिर रचना बनेंगे क्या बनेंगे? हम तो बाबा के बच्चे हैं, रचयिता बाप के बच्चे, तो हम मास्टर रचयिता ही बनेंगे। हम क्यों रचना बने? हम तो रचना रचेंगे। हम राजा महाराजा बनेंगे, हम अपनी प्रजा बनाएंगे। रचना स्वयं के प्रति ही होती है। रचना जो होती है ना, रचना करने वाले, और रचना जो होती है वो स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है। जो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते तो वह भविष्य में भी विश्व के मालिक नहीं बन सकते। सुन लिया कर्म और कर्म का फल? अच्छा, अब आगे, अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम फाइनल रिजल्ट का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख के द्वारा नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो, मुख से बाबा बोलेंगे नहीं या कोई कागज या बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, हाँ, जैसे स्कूल कॉलेजों में होता है। लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होंगी? सोचो, हाँ, कैसे होगी? आप स्वयं ही जवाब सुन लो। आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं के प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। खुद ही खुद बोलेंगे कि भाई मैं तो अभी 16,160 में भी नहीं आऊंगी, 108 में भी नहीं आऊंगी, मैं तो 8 दाने में भी नहीं आऊंगी, मैं तो अभी बहुत खुद ही खुद के मुख से रिजल्ट आउट करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर न सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और उनकी चलन से दिखाई भी देंगे। देखने वाले भी समझेंगे कि ये नहीं आएंगे। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थियों की रॉयल भाषा चलती है। कई अपने को छिपाने के लिए क्या करते, बाहर से बड़े रॉयल दिखते हैं और रॉयल भाषा यूज करते हैं और उसमें अपने आप को छिपाते हैं। लेकिन थोड़े समय में रॉयल भाषा रियल हो जाएगी। जैसे कि कल्प पहले का गायन है रॉयल पुरुषार्थियों का कि कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करे लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। जब दर्पण साफ होगा ना तो रॉयल भी रियल दिखने लगेगा। तो वो कितना रॉयल प्रैक्टिकल में है। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन vision, सब प्रसिद्ध हो। सबकी सब बात प्रसिद्ध हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। सबको अपना उस शीशे में सब दिखाई पड़ेगा, क्योंकि शीश महल में चारों बाजू क्या होंगे? आईना ही आईना, दर्पण ही दर्पण। हर एक को अपना दर्पण में चेहरा, चलन सब स्पष्ट दिखाई देगा। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छिपाने से छुप जाते हैं। रॉयल पुरुषार्थी क्या करते हैं? अपने बड़े बड़े दाग अपनी रॉयल चलन के पीछे छिपा देते हैं, तो छुप जाते हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है, वो बन रहा है, जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे। शीश महल अभी बना नहीं ना, इसलिए दाग स्पष्ट नहीं दिखते। जब किनारा कर लेते हैं तो दाग छिप जाता है, अर्थात पाप
दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिपा देते हैं। छिपता नहीं है, लेकिन किनारा कर और छिपा हुआ समझ कर स्वयं को खुश कर लेते हैं। खुद ही खुद से बात कर लेते हैं, बाबा से बात कर लेते हैं, जैसे कई भूल करके बाबा से माफी मांगते हैं, फिर समझते बाबा ने तो हमको क्षमा कर दिया, और जैसे चलने लग पड़ते हैं। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी बने अनजान बन जाते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं। बाबा क्यों ऐसा करते हैं? कारण बाबा उसका जवाब दे रहे हैं। अगर बाप कह दे कि मैं जानता हूँ कि ये दाग इतने समय से व इस रूप से है, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा? अगर हम उस जगह पर होंगे तो क्या होगा? और सुनाना चाहते भी उसका मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की भी विधि रखी हुई है। राज क्या है? बाबा चाहते हैं वो अपने मुख से वर्णन करे तो उसका दुख जो है, पाप जो है, वो हल्का हो जाए। तो ये विधि रखी हुई है, इसीलिए उनके मुख से बुलवाते हैं। तो बाबा कहते बोलना बहुत जरूरी है, अपनी गलती अपने मुख से, जिसके आगे गलती की, जिसकी गलती की, जिसके पास गलती की, उसके आगे जा कर के फिर से सॉरी करना, बोलना, वर्णन करना, बाबा कहते हैं बहुत बहुत जरूरी है। बाप दादा नहीं तो वो वृद्धि होती जाएगी। बाप जबकि जानते भी हैं तो फिर सुनते क्यों हैं? कईयों को संकल्प चलता है, फिर बाबा जब जानता है तो फिर बाबा सुनता क्यों है? और सुनकर के बाबा शांत भी क्यों रहते हैं? बाप दादा बाबा बता रहे हैं क्योंकि जब स्वयं के द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे, अभी नंबर वार फिर नोट करो, तो क्या होगा? बाबा कहते खुद वर्णन करने से क्या होगा? महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे, अर्थात महसूस करेंगे। महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना एक ही बात हो जाती है। इसलिए सुनाने की विधि बाबा ने रखी है। नंबर दो, सुनाने की विधि रखी है जिससे स्वयं को हल्का बना सके, तो हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से नंबर चार, पापों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी? ये जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे। कौन? जो रॉयल लोग हैं, रॉयल रूप से पुरुषार्थ कर रियलिटी छिपाते हैं। तो फिर क्या कर? जिस समय बाप दादा खुद उनको स्पष्ट चैलेंज देंगे तो बाबा कहते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए अब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो जाओ, अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, तब ही डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्वरूप बना सकोगे। तो क्या करना पड़े? हमें तुरंत अपनी गलती को महसूस कर और उसकी क्षमा मांग कर परिवर्तन तुरंत कर लेना पड़े। अच्छा, रियलाइज अवर मिस्टेक। देखो याद प्यार भी बाबा ने कितने टाइटल दिए हैं। अभी टाइटल सुनते जाओ, नोट करते जाओ। मैं नंबर नहीं बोलती हूँ, आप देखो। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे, श्रेष्ठ और सदा स्पष्ट दर्पण रूप, मर्सीफुल फादर, दिव्य मूर्त, फिर ज्ञान मूर्त, सदा हर्षित मूर्त, सर्व आकर्षणों से दूर रूहानी आकर्षण मूर्त, दिव्य गुण मूर्त, सर्व आत्माओं के कल्याणकारी, कल्याण के आधार मूर्त,
ऐसी महान आत्माएं और सर्विसेबल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट व नमस्ते। कितने टाइटल हो गए? 13। ग्रेट एंड हम बाबा को कहते हैं बाबा तू मेरा मैं तेरा 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 एंड नमस्ते। Could you अच्छा count how तो many हम रूहानी titles बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का नमस्ते जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा। जिम्मेवारी दी ना आज बाबा ने, हाँ याद करो तो जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना। प्योर फील बाबा ने कहा ना सबका कल्याण करना है तो शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो। हाँ बाबा फिर से जिम्मेवारी याद दिला रहे हैं, लेकिन यह जिम्मेवारी तब ही निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति अंदर की शुभ भावना और शुभ कामना से संपन्न सत्व प्रधान और शक्तिशाली। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देती है। तो जिम्मेवार होता है ना वो बड़ा चुस्त होता है, वो सुस्त नहीं होगा, वो चुस्त ही रहेगा, अलर्ट रहेगा। हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाना वर्षे के अधिकारी बनाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए कभी अलबेलापन न आए। हाँ शिक्षा बाप दे रहे हैं, वृत्ति भी साधारण न हो, वृत्ति पर भी इतना अटेंशन। अच्छा आज का स्लोगन अपने हर कर्म के द्वारा, मनसा वाचा कर्म, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। प्रत्यक्ष हम करेंगे, किनारा अनेक आत्माओं को मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़े? अपने हर कर्म में किसको याद करना पड़े? बाप को याद कर बाप समान कर्म करना पड़े। अच्छा टू डू एवरी एक्ट ऑफ आवर्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ स्वीट स्वीट बाप दादा। शांति। ओके ओम शांति। तो देखो बाबा ने कितनी आज कितने राजों से भरी हुई कर्म की गहन गति समझाते हुए, पुरुषार्थ और प्रारब्ध बताते हुए, रिजल्ट सुनाते हुए और वर्तमान समय पर क्या करना चाहिए वो डिमांड समझाते हुए, जिम्मेवारी देते हुए हम बच्चों के प्रति अपने प्यार को प्रकट किया कि मीठे बच्चे हम चेकिंग करके चेंज हो जाएं और अपने मुख से जो भी बोल निकालें वो वरदानी बोल बने, ऐसे बोल निकालें अर्थात व्यर्थ समाप्त करें और समर्थ संकल्प मनसा वाचा करना हमारा कर्म। अच्छा दे कम आउट टू बी ट्रू। ओम शांति। सभी के सब हमारे किसको सा